देश की आपकी चॉइस में 5 स्कूल ले लो, ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं उनको हम वोल्वो स्टैंडर्ड की मैकेनिक बनाए, सबको वोल्वो में जाना जरूरी नहीं, वोल्वो स्टैंडर्ड की मैकेनिक बनाए, उनको हैंडसन स्किल सिखाए। आप आईटीआई में आइए, आप पॉलिटेक्निक में आइए, Category 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में आइए। आज आखिर भारत की जो सर्विस इंडस्ट्री आईटी में डेवलप हुआ है उसमें ऑल ऑन नॉट आईआईटीएन, उसकी जो मेंटेनेंस और सर्विस की लेवल में लगते हैं वो सब AICTE अफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं। हमें मैपिंग करना है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। हमें एक, मैं भी CIA को अनुरोध किया है कि लेट अस हैव ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, चिंतन शिविर करते हैं, आने वाले 25 साल में क्या क्या जॉब हमारे वहां आएगा उसको मैप करते हैं, उसमें क्या क्या कोर कॉम्पिटेंसी लगाई। अभी हमने मेटी आईटी इंडस्ट्री के लोग, स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोग और एजुकेशन इंडस्ट्री, तीनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी पेपर बनाई है। आने वाले 15-20 साल में सेमीकंडक्टर में हमको किस कॉम्पिटेंसी के इंजीनियर कितने लगेंगे, सुपरवाइजर कितने लगेंगे, वर्कमैन कितने लगेंगे, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या होगा, कहां बन पाएंगे, कहां पढ़ पाएंगे। हमें ऐसे मैपिंग इंडस्ट्री बॉडी और पॉलिसी मेकर दोनों मिलकर करना है। मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव कह रहा है कि फंड कोई इशू नहीं है, स्ट्रैटेजी इशू है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। मेरे ख्याल से हम मिलकर इसको आने वाले दिनों में करेंगे।